हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्टील के प्रमुख स्ट्रक्चर के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्टील के स्ट्रक्चर के बारे में आप जान जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में, भविष्य में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। हम इसे बहुत आसान ट्रिक्स के माध्यम से याद करने का तरीका देखेंगे। सबसे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर होता क्या है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना हुआ है। इसी प्रकार से आप कोई भी वस्तु को देखेंगे, कोई भी पदार्थ को देखेंगे, कोई भी पार्ट्स को देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो हम आज इसी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम पदार्थ के बारे में बात ना करके स्टील के बारे में बात करेंगे कि स्टील में प्रमुख स्ट्रक्चर कौन सा होता है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। स्टील के प्रमुख स्ट्रक्चर देखिए, तो स्टील के स्ट्रक्चर में हम आज देखने वाले हैं कि स्टील के कितने प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं और उसका क्या नाम है। तो मैं आपको एक बहुत ही इजी एक लाइन बना के दिखाऊंगा। इसको यदि आप ऐसा देखें तो आपको यहाँ नीचे सीधे लिखिएगा फे सी पी आमाटूसा। यदि आप इसको याद करना चाहें तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। फे सी पा आमाटूसा, फेसी पा आमाटूसा, ऐसा करके आप याद कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। पहले एक बार आप अपने मन में इसको दोहराइए, फेसी पा आमाटूसा, फेसी पा आमाटूसा। चलिए, अब यदि आप इतने को समझ गए तो इसको हम पूरा पूरे नाम देखते हैं। फेराइट है, इससे सीमेंटाइट आएगा, इससे पियरलाइट, ऑस्टेनाइट, मार्टनसाइट, ट्रूस्टाइट और सर्वाइट। है ना बहुत आसान। फेसिपा अमाटूसा से हमने फेराइट, सीमेंटाइट, पेलाइट, ऑस्टेनाइट, मार्टनसाइट, ट्रस्टाइट और सर्वाइट, ये हमने 7 प्रकार के स्ट्रक्चर को देखा। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये क्या है। दोस्तों, ये तो नाम है। अब हम जो देखेंगे वो इसके डिटेल्स देखेंगे कि उसके अंदर क्या होता है। देखिए, फेराइट जो है वो लोहा का शुद्ध रूप है, शुद्ध लोहा है। शुद्ध लोहा कौन सा होता है? इसमें रॉट आयरन आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दूसरा देखिए, सीमेंटाइट है। तो सीमेंटाइट में आपको क्या करना है कि फेराइट को यहां से ले आना है और आपको मिला देना है उसमें थोड़ा सा कार्बन। एग्जाम में क्या आता है कि सीमेंटाइट में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो उसमें लिखा रहेगा फेराइट कार्बन का मिश्रण, फेराइट पियरलाइट का मिश्रण, सीमेंटाइट फेराइट का मिश्रण, इस टाइप से रहेगा। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये हमने क्या बताया उसको आप ध्यान रखिएगा। तो फेराइट और कार्बन का मिश्रण को सीमेंटाइट कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको हाई कार्बन स्टील वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इसमें आपको हाई कार्बन स्टील वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि स्टील का कौन सा स्ट्रक्चर मजबूत है।
तो दोस्तों ये मजबूत है, क्योंकि ये मजबूत तो है पर ये भंगुर है। ये मजबूत है मगर साथ में क्या है, भंगुर भी है। हाई कार्बन स्टील का क्या गुण होता है, टूल्स भी बनता है तो भंगुर भी होता है, तो मजबूत तो है पर भंगुर है, तो ये सीमेंटाइट स्ट्रक्चर हो गया है। अब हम देखेंगे पियरलाइट स्ट्रक्चर। अब आप इसको यहाँ ले जाइए, देखिए इसमें आपने इसको यहाँ ले गए थे और कार्बन मिला दिया था, अब सीमेंटाइट को यहाँ ले जाइए और आपको इसमें मिला देना है फेराइट, मिला देना है। कितना मिला देना है, तो इसका एक रेशो होता है 88% सीमेंटाइट प्लस 12% फेराइट, तो बन जाता है पेयरलाइट, तो बन जाता है पेयरलाइट। ठीक है, तो पेयरलाइट स्ट्रक्चर बन गया है, पेयरलाइट काफी अच्छा स्टील माना जाएगा। अब आप इसके नेक्स्ट सोचिए क्या होना चाहिए। ऑस्टेनाइट को देखने से पहले आपको एक चीज जानना होगा कि ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर में ना, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर में एक अपर क्रिटिकल शब्द आएगा। तो अपर क्रिटिकल क्या होता है कि स्टील में 850 डिग्री को अपर क्रिटिकल बोलते हैं, 723 डिग्री को लोअर क्रिटिकल बोलते हैं। ठीक है, 850 डिग्री से ऊपर अपर क्रिटिकल होता है और उसके बीच के जो हिस्से होते हैं उसको क्रिटिकल रेंज बोला जाता है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है। देखिए दोस्तों, स्टील को जब गर्म करते हैं तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर में जब पहुंचता है तो उसके अंदरूनी स्ट्रक्चर में परिवर्तन होना शुरू होता है, मतलब उसके स्ट्रक्चर अपने जगह से थोड़ा सा चेंजेज होना शुरू हो जाता है। और अपर क्रिटिकल में जब पहुंच जाता है, मतलब 800 डिग्री में जब पहुंच जाता है, तो उसके अंदर के स्ट्रक्चर पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है, अपने आप में स्वतंत्र हो जाता है। उस समय स्टील नॉन मैग्नेटिक बन जाता है। इसका मतलब है कि उसके उसके ऊपर आप मैग्नेट रख दीजिए या मैग्नेट के साथ चिपकाने की कोशिश करिए, उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी। तो हम अपर क्रिटिकल समझ गए, स्टील को 850 डिग्री से प्लस में जब गर्म करते हैं उसे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। हाँ, तो ऑस्टेनाइट क्या होता है कि स्टील को जब 850 डिग्री, मतलब इसको बोलते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में जब गर्म करते हैं तो उसके अंदर के स्ट्रक्चर पूरी तरह स्वतंत्र हो जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाले स्टील कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे मार्टेनसाइट क्या होता है। मार्टेनसाइट, देखिए आपने स्टील को गर्म कर दिया, उसके अंदर के स्ट्रक्चर पूरी तरह से इंडिफरेंट हो गया, स्वतंत्र हो गया। अब आप उसी गर्म अवस्था का स्टील को तुरंत ठंडा कर दे, आप उसको कुंचिंग कर दे पानी में, आप गियर में या वॉइल में, तो जब उसको आप पूरी तरह से ठंडा कर देंगे, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से तुरंत ठंडा करेंगे, तो आप क्या होगा, वो मार्टनसाइट स्ट्रक्चर। ये कौन सा प्रोसेस हो गया, हार्डनिंग वाला प्रोसेस हो गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हार्डनिंग कौन सा प्रक्रिया है, तो हार्डनिंग मार्टनसाइट वाला प्रक्रिया है। इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है वो मार्टनसाइट स्ट्रक्चर बनता है। फिर से आप एक बार सुन लीजिए, स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में गर्म करने के बाद उसके अंदर के स्ट्रक्चर पूरी तरह स्वतंत्र हो जाता है तो ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर बनता है। ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाले स्टील को तुरंत पानी में या क्वेंचिंग माध्यम में ठंडा करने से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे मार्टनसाइट कहते हैं। ये बहुत कठोर और भंगुर। तो एग्जाम में यदि आपसे पूछते हैं कि सबसे कठोर स्ट्रक्चर कौन सा होता है या सबसे कठोर और भंगुर स्ट्रक्चर कौन सा होता है, तो आपको क्या, सबसे नंबर एक के वरीयता के हिसाब से आपको मार्टनसाइट लगाना है। यदि मार्टनसाइट नहीं है, ये चार है, तो आपको सीमेंटाइट लगाना है। क्लियर है आपको,
यदि मार्टन साइट है तो आप मार्टन साइट लगाएंगे, मार्टन साइट नहीं है तो सीमेंट टाइट लगाएंगे, सीमेंट टाइट और मार्टन साइट दोनों है तब आप मार्टन साइट लगाएंगे। चलिए तो यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद आता है हार्डनिंग, आपने कर लिया। उसके बाद हार्डनिंग में भंगुरता का गुण तो आया है, अब मुझे भंगुरता का गुण को कम करना चाहिए, तो मैं उसको अब क्या करूँगा कि स्टील को हम टेम्परिंग कर देंगे। जब टेम्परिंग करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक चिमड़ापन का गुण आएगा, मतलब कोई उसको ट्विस्ट किया जा सकता है, वो झटका सहन कर सकती है, ऐसे स्टील हमको बनाना है। तो उसी को आप करते हैं, मार्टन साइड वाले स्ट्रक्चर के स्टील को 400 डिग्री टेम्परेचर में लेकर उसे जब ठंडा करते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे ट्रोस्टाइट कहते हैं। तो ट्रोस्टाइट कौन सा प्रोसेस हुआ, टेम्परिंग का। टेम्पर क्यों किया जाता है, चिमड़ापन के गुण बढ़ाने के लिए। क्यों, क्योंकि कोई भी टूल मान लीजिए कटिंग करता है, वो हार्ड है लेकिन वो बहुत भंगुर भी होगा, तो मैं भंगुरता को कम करके उसके हार्डनेस तो बना रहे लेकिन थोड़ा चिमड़ापन का गुण को बढ़ाना है, तब तो हम क्रोस्टाइट प्रोसेस करते हैं या हम टैम्परिंग करते हैं। तो टैम्परिंग कितना डिग्री में करते हैं, 400 डिग्री में। ठीक है, 400 डिग्री में टैम्परिंग किया जाता है। देखिए ये सर्वाइट लास्ट वाला है, स्टील को तैयार किया जाता है तभी इसको 700 डिग्री टेम्परेचर में लाकर, 700 डिग्री टेम्परेचर में लाकर उसको ठंडा कर देते हैं। और जब इसको जो बनाया जाता है तो ये फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण से बनाया जाता है। किसका मिश्रण से, फेराइट और सीमेंटाइट। कितना डिग्री पर, 700 डिग्री पर। ये एक बार के प्रोसेस में होता है, ये मजबूत भी होता है और तन्य भी होता है। तन्य मतलब ये हार्ड भी है और डक्टाइल भी है। तो ये था आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, स्टील के प्रमुख स्ट्रक्चर। आपने इसे अच्छे से समझा और मुझे लगता है कि जब यहाँ लिखा हुआ है तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। तो आप एक बार फिर से अब चाहे तो एक बार चंद सेकंडों में देख लीजिए। ये फेराइट है, लोहा का शुद्ध रूप है, सीमेंटाइट है, फेराइट और कार्बन का मिश्रण है, पेरलाइट है, सीमेंटाइट और फेराइट का मिश्रण इसका और इसका मिश्रण है। 88% इसमें सीमेंटाइट है, 12% फेराइट है। ऑस्टेनाइट अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में जब जाता है तो स्टील नॉन मैग्नेटिक होता है। क्या हो जाता है, नॉन मैग्नेटिक हो जाता है, तो उसे ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर बोलते हैं। जब ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाले स्टील को तुरंत ठंडा करते हैं तो मार्टन साइट बनता है, और मार्टन साइट को दोबारा 400 डिग्री गर्म करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे ट्रूस्टाइट कहते हैं। और सर्वाइट, फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण है जिसमें 700 डिग्री टेम्परेचर में से किया जाता है और एक मजबूत और तन्य धातु है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप मुझे जरूर बताइएगा। और यदि आपको अच्छा लगा हो, आपको यदि अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा। तो आपको और अपडेटेड और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको लगातार मिलता जाएगा। थैंक यू, आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल।